हेलो भाई जी, एनडीटीवी की तरफ से कंगना रनौत, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के बारे में एक बड़ी और शॉकिंग न्यूज आ रही है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री जो कंगना रनौत है उनके खिलाफ FIR करने के लिए आदेश दिया है और कंगना के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काने का, कलाकारों को हिंदू मुस्लिम में बांटने और सामाजिक दोष को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। और इसको ये जो आरोप जो लगाया है गया है और उस बंदे का नाम है मुन्ना वराली। मुन्ना वराली ने कंगना के पिछले कुछ वक्त में दिए गए ट्वीट का हवाला देते हुए उनके खिलाफ जांच की मांग की है। और मुन्ना वराली ने कंगना के ट्वीट ट्वीट और न्यूज पर दिए बयानों में हिंदू कलाकार और मुस्लिम कलाकार में बांटने, सामाजिक दोष बढ़ाने का आरोप लगाया है। और साथ में ही इस मामले में कंगना की जो बहन है रंगोली, उनको भी आरोपी बनाया गया है। गाइज, मैं आपको बता दूं कि कंगना ने मुंबई के हालात की तुलना पीओकी से करने की टिप्पणी जो स्टार्टिंग में उन्होंने की थी, जिस टाइम सुशांत सिंह राजपूत केस में का वो काफी आगे चल के बोल रही थी, उस टाइम उन्होंने ये पीओके की तुलना जो है मुंबई महाराष्ट्र को किया था, उस चीज को भी, जो कि ये बंदा जो है ये एक कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है और ये हिंदू मुसलमान जो है हिंदू मुसलमान फिल्म निर्देशकों के साथ इसने काम किया है। इसने ये गवाही दिया है कि ये जो हिंदू मुसलमानों के साथ काम किया है, लेकिन कोई भी भेदभाव महसूस नहीं किया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पे, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए कंगना जो है कंगना रनौत वो बॉलीवुड की इंडस्ट्री को, कलाकारों को हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटने के प्रयास कर रही हैं। ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को ड्रग्स का लती हत्यारा और भाई भतीजावाद में लिप्त भी बता चुके हैं। ये सारा चीज जो है इल्जाम वो जो शिकायत करता है ये उस बंदे ने लगाया है कंगना रनौत के ऊपर। अगर ये जो मुन्ना वराली है, ये सिर्फ और सिर्फ इतना पे ही नहीं रुकना रुका उस बंदे ने जो पालघर में जो साधु हत्याकांड हुआ था उसमें भी, जो कि कंगना रनौत ने बाबर सेना कहा था, उस पर भी इल्जाम लगाया कि कंगना ने BMC को जो है बाबर सेना बुलाया है, जिसकी वजह से काफी लोगों की भावनाओं को दुख पहुंचता है। और साथ में उन्होंने, ये मुन्ना वराली है जो, इसने कंगना रनौत के उस ट्वीट का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि उन लोगों ने मराठा गौरव पर एक भी फिल्म नहीं बनाई। इस्लाम के नियंत्रण वाली इस इंडस्ट्री में मैंने अपनी जिंदगी और करियर खतरे में डाला है। ये अब मैंने शिवाजी और लक्ष्मीबाई पर फिल्म बनाई है, ये जो है ट्विटर पे कंगना रनौत द्वारा बोला गया था। तो ये सब चीजों को तोड़ मोड़ के मुंबई पुलिस की तरफ से और ये जो मुन्ना वराली है इसकी तरफ से कंगना रनौत के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और कंगना रनौत के ऊपर जो है अभी ऑर्डर भी दे दिया गया है, जो कि मजिस्ट्रेट है बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है कि कंगना रनौत को के ऊपर FIR किया जाए और अगर उनकी उनकी गलती पाई जाती है तो उनको जेल में भी डाला जाएगा। भाई, आप समझ सकते हैं कि उनका कोई ना कोई गलती तो मुंबई पुलिस चाहेगी तो कंगना रनौत की निकाल ही देगी। और जैसा कि उनका घर गिराया गया था और उसी हिसाब से अब कंगना रनौत को ये लोग आगे चल के फंसा भी सकते हैं। गाइस, आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।